ने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज सीन नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। तो भैया आजकल कितनी महंगाई हो गई, फ्रूट सब्जी सारी महंगी हो गई है। अबे क्या हाल है, ठीक हो? अबे खाया भी कर, खाब खा बैठा। अरे किसका फोन आ गया? अरे अम्मी जान, हेलो अस्सलाम वालेकुम अम्मी, क्या हाल है? ठीक ठाक, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसी तबीयत है? याद क्यों नहीं आती अम्मी, हर वक्त आपकी याद आती रहती मुझे। हाँ नहीं, इंशाल्लाह दो चार दिनों में आपके पास होगा। हाँ हाँ, अच्छा मैं दुकान ही खरीद लेता हूँ पूरी, वो पड़ोसी से एक काम करें, पड़ोसी से पूछें आप, उनको कोई चीज़ चाहिए तो मैं उनके लिए भी कुछ ले आता हूँ। हैं? नहीं 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 अम्मी, मैं नाराज़ नहीं हुआ, मैं तो वैसे ही मजाक से बोल रहा हूँ। अच्छा एक काम करते हैं, मैं ज़रा छुट्टी की दरख्वास्त देता हूँ मालकान को, फिर मैं आपको बताता हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुलाकात हो रही है, अपना ख्याल रखिएगा। ओके अम्मी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। लो भैया मालकान से ज़रा मैं छुट्टी की दरख्वास्त दूँ, इंशाल्लाह छुट्टी तो मुझे मिल ही जाएगी। अरे बाबा ये तो सारी पुरानी भैंसों की तस्वीरें भेज दी है बाबा, जानी ने नई वाली तो भेजी नहीं है। जानी चाय किसे मांगी थी? नहीं मांगी तो किसी ने नहीं थी, मैं खुद ही ले आया। अरे बाबा तुम ले आए तो मैं पी लेता हूँ। वो एक बात करनी थी। वो तो मैं तभी समझ गई थी जब बिना मांगे चाय आई थी। नहीं नहीं चाय तो मैं वैसे लाया हूँ। बोलो क्या काम है? हाँ बाबा एक बात याद रखना, इजाफी तनख्वाह नहीं मिलेगी। नहीं नहीं तनख्वाह नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, ये तो बड़ा अच्छी बात है बाबा। मेरा मतलब है इजाफी तनख्वाह नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक है, बोलो क्या काम है? वो छुट्टी चाहिए बस। ठीक है घर का सारा काम करके जाना, तो एक दिन घर नहीं होता ना तो घर अजौब बन जाता है। वो बड़े बात तो सुने, अब पैसे मांगेगा? नहीं 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 पैसे नहीं मांगने, मुझे एक हफ्ते के लिए गाँव जाना है, छुट्टी चाहिए। गाँव? वो भी एक हफ्ते के लिए? जी। अरे बाबा गांव से मुझे अपना गांव याद आ गया। तुम तो चुप करो बच्चों, एक मिनट, एक हफ्ते की छुट्टी हर किसी से मिल सकती। देखिए इतने दिन हो गए मुझे गांव गए हुए, अब तो अम्मी भी याद कर रही होगी। नहीं नहीं बस एक दिन की छुट्टी मिल सकती है, जाना तो चले। एक दिन तो सिर्फ जाने का लगेगा। नहीं बाबा ऐसे नहीं जाना, तुम जाते है ना छुट्टी पे तो आधा काम मुझे करना पड़ता है। मगर बस कह दिया ना नहीं तो बात खत्म। अरे बाबा देखो कितना बदतमीज है, मेरे मुंह से चाय छीन के ले गया है। जाने मैं तुमको बोला कब से ढूंढ रही हो, तुम यहाँ बैठे हुए हो। बोले बोले क्या बात? क्या हो गया जाने? घर जाने के लिए छुट्टी मांगी थी। तो इसमें भला इतना उदास हो गए बैठने की क्या बात है, ये तो सब मांगते हैं। उदास इस बात पर हूँ कि छुट्टी नहीं मिली मुझे। ओ, वो इस बोर्डम ने मना किया होगा है ना? नहीं नहीं उन्होंने भी मना किया, साथ में बच्चू भाई ने भी, दोनों ने मना कर दिया। दोनों ने मना कर दिया, भला क्यों? ये सोच करके काम कौन करेगा। हाँ बात तो भला सही कही है, अब भला तुम क्या करोगे? बस मुझे अम्मी की बहुत याद आ रही है, मुझे मिलना। जानी मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है, बोलो तो बताऊं? दिमाग में बताएं बताएं, इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। तुम ऐसा करो अपनी अम्मी जान को यहाँ बुला लो। ऐसा कैसे मुमकिन है? अरे बाबा मुमकिन है ना, देखो इस तरह तुम जाने से बच भी जाओगे और तुम्हारी तुम्हारी अम्मी जान से मुलाकात भी हो जाएगी। वाह इतनी समझदारी की बात और आपके मुँह से। जाने मैं अभी बात करके आता हूँ। फायदे की बात बताने के बावजूद भी मेरे में ऐब निकालता रहता है सड़ियल भिड़सां। बेगम आप मोबाइल में लगी हैं आजकल, जानी कोई काम में तवज्जो नहीं दे रहा है। अरे भाई आप दोनों से मैंने ना बहुत जरूरी बात करनी है। अब क्या बात करनी है? अरे बाबा तुम बातें करता रहेगा या काम भी करेगा घर का? सुन तो ले सुन तो ले।
वो छुट्टी देने से तो आप लोगों ने मना कर दिया, तो मैंने सोचा कि अम्मी को यहीं बुला लेता हूँ, इस बहाने आप लोगों का काम भी होता रहेगा और मेरी अम्मी से मुलाकात भी। हाँ बाबा, ये बात कुछ समझ आई है। शुक्र है। हाँ ठीक है, बुला लो। ओके। अब तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है बाबा तो मना कर देते। मैं सोच रहा था। अच्छा एक बात और। अब क्या है? वो ना अम्मी के सामने ना मुझे जरा नौकर कम और मैनेजर ज्यादा समझेगा, इससे क्या कि जरा मेरी इज्जत रह जाएगी। लेकिन सारे काम काज तुम ही करोगे। उसकी तो आप फिक्र ही ना करें, वो सब मैं मैनेज कर लूंगा, बस बेफिक्र हो जाए। बस ठीक है बाबा, लेकिन नौकर नौकर बन के रहना, सर पे मत बैठ जाना, अम्मा को बुला लो, कोई बात। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी फोन करता हूँ उनको। पहले जाके किचन में जो बर्तन रखे है ना वो साफ करो। जाओ बाबा जाओ, काम करो। अच्छा भाई कोई काम आप भी कर लिया करो। मेरा काम है ये, मैंने बोला ना ये बहुत हडराम हो गया है बाबा, देखो तुम इस पे ख्याल रखो, जरा नजर रखो। बच्चू ऐसा बोला करो। अरे बाबा इस वक्त तो आप चीख रही है। आइए 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 अम्मी आइए। अरे वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना बड़ा घर है तुम्हारा। मैनेजर हूँ मैं यहाँ पे। अरे वाह बहुत खूब मेरे बच्चे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है ये बदतमीज औरत? बदतमीज हमारी क्या? ये मालकन है तुम्हारी, इसे तो खुद तमीज सीखने की जरूरत है। क्यों क्यों क्यों, ऐसा क्या हो गया? भाई अल्लाह पूछ रही है ऐसा क्या हो गया, बगैर दुपट्टे के घूम रही है, बेशरम औरत, कहाँ है तेरा दुपट्टा? इन कपड़ों पे कौन दुपट्टा पहनता है? या अल्लाह इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ दुपट्टा पहनने का फैशन ही नहीं है। हाय अल्लाह तौबा तौबा अस्तगफार तौबा। अबे अम्मा जी आप छोड़े इन सब चीजों को, आप अंदर चले। बेशरम खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है, नौकर है तो सामान उठाना चल। मालिक है ये हमारा। अरे आते ही और कितने साथ में देगा तू मुझे, शक्ल से तो नौकर लग रहा है। चले 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 चले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह कितनी सलीकाश और तमीज वाली बच्ची है, कौन है ये लड़की? अरे अम्मा मेरी बहन है। सौतेली है क्या आप? अमी जान चले छोड़े ना, आप नहा ले, मैं आपके लिए गर्म पानी करके आपके कपड़े बड़े तैयार करके अच्छा सा नाश्ता बनाती हूँ आपके लिए। आ जाए मेरी बच्ची चल। जी जानी गिलास ले आना। शाबाश। आजे आजे मेरे कमरे में चलते हैं। जानी तुम तो अम्मा जी को छोड़ के आओ ना, जरा फिर बात करते हैं तुमसे। मैं आप दोनों से मातर चाहता हूँ। बेगम बाकी सब तो ठीक है, ये जरीना को क्या हो गया है? पता नहीं दिमाग खराब हो गया इसका। अच्छी बरकतें कर रही है। यही मौका है जरीना, जानी की अम्मा भी यहाँ मौजूद है, मुझे उसके सामने अपनी इज्जत बनानी होगी ताकि वो मुझे पसंद कर ले और मुझे जानी से शादी करने के लिए फिर भला कोई रोक भी नहीं सकता। लेकिन हाँ जब तक वो यहाँ मौजूद है मुझे ये अपना ड्रामा जारी रखना पड़ेगा। चल जरीना एक्टिंग करने के लिए तैयार हो जा, आखिर मुझे जानी की दुल्हन भी तो बनना है। माफी चाहती हूँ माँ, वो मैंने देखा नहीं आपको। अल्लाह तौबा, उफ कितनी जोर से मारा है। मैं माफी चाहती हूँ। कानों में टूटियां लगा के कौन से गाने सुने जाने सुबह सुबह? वो मैं वर्जिश कर रही थी। अरे वजन कम करना है ना तो 5 वक्त की नमाज पढ़ा करो, ये शैतानी हरकतें करने से ना वजन कम नहीं होता, हया कम होती है। जी जी आप ठीक कह रही हैं। अगर मैं ठीक कह रही हूँ तो इन बातों पे अमल करो ना भाई। बंदा सुबह उठता है, नमाज पढ़ता है, बाहर जाता है, चहलकदमी करता है तो वैसे सेहतमंद रहेगा, लेकिन भाई तुम पे क्या असर होना है? बेशरम कहीं की तौबा। अरे हटो भाई, क्या मुसीबत आ गई मेरे घर पे। जानी बच्चों, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। तौबा, सारे के सारे लोग सो रहे हैं, कैसे हैं ये लोग? तौबा बेशरम बेहया कहीं के। अरे उठ जाना चाहिए था इस वक्त तक तो।
माशाल्लाह, मुझे यकीन नहीं आता कि ये बच्ची इस घर में रहती है। वो अम्मी जान मैं नमाज पढ़ी थी ना, वरना आपके लिए नाश्ता बना लेती। अरे कोई बात नहीं बेटा, नाश्ता तो मैं नमाज पढ़ने के बाद ही करती हूँ। चलो ये भला तो बहुत अच्छी बात है, फिर साथ बैठ के नाश्ता करेंगे। चलो आओ दोनों मिलके बनाते। अरे नहीं नहीं, आप भला काम करते हुए अच्छी थोड़ी लगेंगे, मैं हूँ ना पापा, मैं बना लूंगी। नहीं बेटा मगर अकेली। अरे नहीं नहीं, मैं आपकी बेटी हूँ ना। वो तो है, चीती रहो मेरी बच्ची, खुश रहो। जब बच्ची ही बोला है तो फिर जाती बात है, नाश्ता तो मैं ही बनाऊंगी ना। आप ऐसा करें कि डाइनिंग टेबल पे जाएं, मैं आपके लिए गरम गरम नाश्ता बना के लाती हूँ। कसम खुदा की मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि ये बच्ची इन लोगों के साथ इस घर में रहती है। अब इसके लिए नाश्ता पला कैसे बनाऊं? अरे अभी आप उठ गई? फजर से उठी हुई हूँ मैं, नालायक कहीं का। मुझे उठा देती, मैं नाश्ता बना देता। नाश्ता तो मैंने कर लिया है। मतलब खुद ही बना लिया आपने? मैं क्यों बनाने लगी नाश्ता जब इस घर में मेरी बेटी मौजूद है। कौन बेटी? अमित जान, ये लीजिए आपके लिए। इसने बनाया है, जीती रहे मेरी बच्ची। लेकिन अभी तो मैंने नाश्ता किया था, तुमने खामखा तकल्लुफ किया। अरे नहीं अम्मी जान, वो तो आपने सुबह किया था, पूरे 5 मिनट पहले। अभी दूध पी ले, आपका दूध का टाइम है। जीती रहो, खुश रहो, अल्लाह तुम्हें भाग लगाए। ये वो लड़की, खबरदार अगर एक गलत लफ्ज तूने अपने मुंह से निकालो तो चप्पल निकाल के ना मुंह तोड़ दूंगी तेरा मैं। जीती रहे, खुश रहे मेरी बच्ची। हाँ हाँ, मैं पहुंच गई खैरियत से। अरे बाबा बच्चू, जरीना किधर हो तुम? सलाम अलैकुम बाबा। जी वालेकुम अस्सलाम। अरे बाबा बैठो ना, आप बैठो 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 बाबा। देखिए जी, आपको मैंने बाबा कभी पहले देखा नहीं यहाँ पर। कौन है आप? जी वो मैं जाने की बहन है आप। अच्छी बात है, अच्छी बात है बाबा, अच्छी बात है। नहीं नहीं, मैं जाने की अम्मी हूँ। अम्मी? नहीं नहीं नहीं, अरे बाबा आप किसी भी तरह से किसी भी जाविये से अम्मी तो लगती ही नहीं है ना। आप कौन? मैं जी वो। अरे मोहरदा साहब आप। अरे जानी बाबा खुश तो हो ना तुम? अल्लाह का बहुत शुक्र। हाँ। अभी ये बच्चू और जरीना के वालिद हैं और ये मेरी अम्मी। अच्छा अच्छा, जरीना आपकी बेटी है? जी जी जरीना मेरी बेटी। क्या उसने कोई तमाशा किया? नहीं नहीं, वो तो बहुत अच्छी है, सलीकेमंद है, बहुत ही प्यारी बच्ची है माशाल्लाह। जरीना की बात कर रही है ना आप? जी जी जी, आप ही की बेटी की बात कर रही है। हाँ भाई, हाँ जरीना बहुत अच्छी बच्ची है, क्यों ना हो भाई, आखिर बेटी किसकी है। अम्मी? हुँ? अम्मी देखो दवाई का टाइम हो गया आपके। हाँ मैं अभी आई। मौलादाद साहब लगता है बुखार हो गया आपको, और वो भी दिमाग पे चढ़ा है, मैं गोली ले आता हूँ आपके। कहाँ रख दी, ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई हूँ मैं, पता नहीं कहाँ रख दी है। अरे बाबा इधर तो आओ, आप इधर तो आओ, क्यों परेशान हो रही हो, क्या मसला है, हमारे होते हुए तुम क्यों परेशान हो रही हो? जाए नमाज ढूंढ रही हूँ, खुद तो ये लोग नमाज पढ़ते नहीं है, और जो पढ़ता है उसे इस तरह से तंग करते हैं ये लोग। अरे बाबा अभी सर की क्लास लेते हैं, जाए नमाज क्या तुम्हारे ऊपर, जाए नमाज कुर्बान करते जाएंगे। अरे जरीना
जानी बच्चू किधर मर गए तुम लोग? अभी साहब की मैं क्लास लेता हूँ, तुम देखती रहना। हाँ। और बाबा है, इसको जो है ना जाए नमाज चाहिए, आप इसको जाए नमाज क्यों नहीं दे रहे हो? वो बाबा साहब मैं खुद नमाज पढ़ी थी ना, तो जाए नमाज मेरे पास थी, मैं अभी लेकर आती हूँ। माशाल्लाह, कोई बात नहीं मेरा बच्चा, कोई बात नहीं। जी मैं जाए नमाज लेके आती हूँ। हाँ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। बहुत अच्छी बच्ची है, जाए नमाज हमारे घर में इतनी है कि हर कमरे में 10-10 बाबा जाए नमाजें पढ़ी है। अब सारा दिन नमाज पढ़ो बाबा साईं। जाए नमाज ये आ गई, ये जाए नमाज आपके लिए बाबा साईं। हाँ बाबा, मेरे को आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। बाबा साईं मुझे इनकी बेटी बनना है। सच्ची? जी बाबा साईं। वाह 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 वाह, हो जाएगा, होगा होगा। जाओ तो बस जल्दी जाओ, अभी जल्दी जाओ, जाओ। वाकई? हाँ जाओ, अब जाओ भी। बड़ा शौक है हमारी बच्ची को आपकी बेटी बनने का, है ना? जी। मैं नमाज पढ़ लूं? जी जी पढ़ ली पढ़ ली जी। लेकिन नमाज भी है, तहज्जुद भी पढ़ती होगी। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। बच्चू बच्चू उठो। अरे बाबा क्या हो गया है, तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा? नहीं बाबा, मुझे दिख रहा है, सब दिख रहा है। जो घर में चल रहा है मैं उसकी बात कर रही हूँ। बाबा घर में क्या चल रहा है? ज़रीना को नहीं देख रहे? कैसे अम्मा की खिदमत कर रही है, आगे पीछे हो रही है उनके? ये जरूर कोई ना कोई चक्कर है। अरे नहीं बाबा, कैसा चक्कर? अरे नहीं नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है, ये तुम खमखई में परेशान हो रही हो। कहां हम कहां वो? पर आपकी बहन सारा प्लान बना चुकी है। जो लड़की हिलके पानी का ग्लास तक नहीं पीती, आज इतनी खिदमत कर रही है। बाबा ऐसा कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो, अभी हम जिंदा है। आपके बाबा ना वो भी जाने की अम्मा पे फिदा हैं। मुझे नहीं लगता कि आप कुछ कर सकेंगे। नहीं नहीं बाबा, हम करेगा, फिक्र मत करो, मैं करता हूँ कुछ, कुछ हो जाएगा, टेंशन नहीं लो। मैं कह रही हूँ ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। अरे बाबा नहीं होगा, मैं देखता हूँ बाबा, मैं देखता हूँ। तुम बैठो, ये क्या हो गया है? अरे बाबा गांव में हमारे अपने बाड़े हैं ना, असली गायें हैं, भैंसे हैं, दूध भी असली होता है हमारा। हम आपको वहाँ की चाय पिलाएंगे ना, आप भी हमारे साथ कोई बात तो करें ना। मैं क्या बोलूँ, घर आपका अपना है ना? बाबा ये अपना घर है, ये बच्चू तो ऐसे इधर उधर की बातें करता है, इधर यर्गमाल बनाया हुआ है सबने। अच्छा अच्छा बाबा, सीमा तो बिल्कुल ठीक कह रही थी। क्या देख रहे बच्चू भाई? बाबा जो मैं देख रहा हूँ ना वो बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे भी ठीक नहीं लगता। क्या वाकई? मैं आपसे क्या झूठ बोलूंगा बाबा, इसका कुछ हल तो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, रहम करें मुझ पे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। बाबा करना तो पड़ेगा। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी बच्ची है। बाबा मैं तो पहले ही कह चुका हूँ ना कि ये आखिर बेटी किसकी है। हाँ बाबा सही, मेरे को इनकी बेटी बनना है। ऐसा ही होगा क्या? वाकई? भाई अगर किस्मत में लिखा है ना तो भला कौन रोक सकता है? हाँ शर्मा गई। चाय पिए ना, मैं दे रहा हूँ ना आपको, ये ले लो, वो मैं ले लेता हूँ, ठीक है? शुक्रिया। कहाँ रह गई अम्मा? बाबा बाबा जानी किधर है, पता करो मेरे बाबा जानी का कहाँ रह गए। मेरी अम्मा का पता करो, सुबह से पता नहीं कहाँ चली गई, मुझे अम्मा दिला के दो। अरे चुप करो, आ जाएंगी, इधर ही कहीं गए हुए होंगे, वापस आ जाएंगे। अरे बाबा पता तो करो। अरे भला सकुन से रहो, ये बताओ कि करना क्या है? तुम तो चुप ही रहो, तुम जो कुछ करना चाह रही हो ना मुझे सब कुछ पता है, और वो मैंने होने नहीं देना। देखती हो भला ये सब कैसे नहीं होता, तू बड़ी आई मेरे को रोकने वाली, तू होती कौन है, देख लूंगी मैं तुझे। अरे बाबा जरीना तू होश में तो है, लड़ लो पहले, लड़ लो, अम्मा पापा मैं लड़ जा रहे हो। अरे बाबा जानी आप कहाँ गए थे? अम्मी कहाँ है मेरी अम्मी?
बाबा साहेब वाला कुछ बोलो तो सही। अरे बाबा हमने शादी कर ली है ना। अरे बाबा साहब आपको मैंने बोला था कि मुझे इसकी बेटी बनना, आपने इसको मेरी माँ बना दिया। तो बाबा तुम्हारी बात तो हमने मानी है ना, अब तुम इसकी सगी बेटी हो और जानी और तुम सगे बहन भाई बन गए। मेरा कोई ये भाई भाई नहीं है। अम्मी ये क्या किया आपने। अरे होश में रहना बाबा जानी, अब ये तुम्हारी माँ बाद में, मेरी बीवी पहले है बाबा। लेकिन बाबा जानी दुनिया वाले क्या कहेंगे। अरे बाबा दुनिया के कहने की वजह से तो उस खुशी में हमने कल वलीमा किया हुआ है ना। लो बाबा वलीमा भी। अरे दुपट्टा ओढ़। ए लड़े चुप कर, दुपट्टा सारे पे रख पड़ी आई अम्मी। दरीना तमीज से, जैसी भी है मेरी वालदा तो है ना। ए चुप कर, बड़ा आया तू भी। अरे बाबा। अच्छा भला ये बताओ कि तुम कपड़े तो सही ठीक से सिलोगे ना। अरे आप फिक्र ही नहीं करो, ऐसे कपड़े से हम के पूरे कब्रिस्तान में किसी के नहीं होंगे। कब्रिस्तान में इन पौधों से प्यार करती है। हाँ पापा क्यों नहीं है, जाहिर सी बात है बेचारे तेरे मासूम जो है। मासूम तो मैं भी बहुत हूँ, मगर मुझसे कोई प्यार नहीं करता। लेकिन बाबा तुम इस शक्ल से मासूम कम लफंगे ज्यादा लगते हो। देख रहे बच्चू पूरे 10 सूट सिलवारी है जरीना। कोई बात नहीं बाबा, मेरी बहन है छोटी, सिलवाने दे उनकी भी तो आपके बराबर में कवर है। क्या भाई सूट ऐसा सीना कि तो नजर ना आए। अरे इसकी तो फिक्र ही नहीं करो, ऐसा सूट होगा कि जैसे 60 फीट की कब्र। जमीनें खाली हैं या बीच में कोई कब्र भी है। अरे बाबा क्या बात करते हो, जमीन है उस पे हमने भैंसें पाली हुई हैं। जिंदा? नहीं नहीं बाबा मरी हुई। अच्छा मरी हुई भैंसें। अरे दूध कब देती है मरी हुई भैंसें। वो मुझे दर्जी सही आदमी नहीं लगता है, हर वक्त मौत की और कब्र की बातें करता रहता है। अच्छी बात है बच्चों, मौत को हर वक्त याद करते रहना चाहिए। वैसे मैंने एक बात नोट की है, जिस चीज को जितना याद करो वो एक ना एक दिन आ ही जाती है। इम्प्रोवाइज़ी नहीं मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जोनो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा। कुछ कुछ मीठा